आयकर टीम ने एएपी एमएलए अतिसी को भेजा नोटिस। सौरभ भारद्वाज ने केंद्र सरकार पर धावा बोला। जी हां, आम आदमी पार्टी नेता अतिसी को आयकर विभाग ने नोटिस भेजा है। इस नोटिस को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए बताया कि इस नोटिस में अतिसी की 59,79,000 की चल संपत्ति पर, जो एफडी और म्यूचुअल फंड के रूप में है और जिसका जिक्र 2020 के चुनाव इलेक्शन के एफिडेविट में किया गया है, साधारण तौर पर कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति इस एफिडेविट को पढ़कर ये समझ जाएगा कि इनके माता पिता दोनों ही दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। सेंट स्टेफिन से इन्होंने पढ़ाई की और टॉपर रह चुके हैं। इतने क्वालिफिकेशन के बाद भी कोई रिसर्च स्कॉलर का काम करे तो कोई भी समझ सकता है कि इतना धन अर्जित कर सकते हैं कि म्यूचुअल फंड और एफडी के रूप में रहकर इतना हो जाए। 2020 का ये पूरा डिपॉजिट है। 2015 से अतिसी को प्रति माह ₹1 तनख्वाह पर काम करने का मौका मिला। आयकर विभाग कितना खाली बैठा है। जिस सरकार ने स्विस बैंक से काला धन लेने की घोषणा की, वही 60 लाख की डिपॉजिट होते ही नोटिस भेज दिया। साथ ही आम आदमी पार्टी भाजपा महिला विरोधी चेहरे के घोर निंदा करते हैं। साथ ही बताते हैं कि वो नौकरी छोड़कर आए हैं राजनीति में बदलाव लाने के लिए। भाजपा के पास कुछ छुपाने के लिए होगा, पर उनके पास एक भी चीज नहीं है छुपाने के लिए। वेल, आपको ये अपडेट कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं, और इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट और न्यूज के लिए हमारे चैनल के बेल आइकन को प्रेस करें। देखते रहिए हमारे चैनल को, और इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।